अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने तो ऐसे वेज कचौरी बहुत खाए होंगे, आलू के, मटर के, हर चीज़ के, लेकिन आज मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। चिकन कचौरी बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत आसानी से बनती है और खस्ता बनती है। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम कचौरी बनाने के लिए आटा गूंद लेंगे। ये मैंने मैदे का आटा आधा किलो ली हूँ और इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक और डालेंगे एक चम्मच अजवाइन और डालेंगे दो चम्मच तेल। तेल डालने के बाद अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और हमें इतना नरम नहीं गूंदना है रोटी की तरह, बस थोड़ा सा कड़क रखना है आटा। देखिए आटा मैंने गूंद कर ले ली हूँ, ना ही ज़्यादा ये कड़क है और ना ही ज़्यादा नरम है। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे तेल, चारों तरफ हमें इसे तेल लगाना है और इसे ढक्कन ढककर रख देंगे साइड में। मसाला बनाने के लिए देखिए मैंने 150 ग्राम चिकन को उबाल कर ले ली हूँ और उसके रेशे निकाली हूँ और उसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। सबसे पहले पैन में हम तेल डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 5-6 फरजबी को मैंने बारीक काट दी हूँ, वो तेल में डाल देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए हम अच्छे से भूनेंगे। तीन चार मिनट भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटे हुए प्याज। 2-3 मिनट के लिए हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है, हमें ज़्यादा प्याज लाल नहीं करना है। दो तीन मिनट प्याज भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे आधा गाजर को मैंने बारीक चॉप कर दी हूँ, वो डाल देंगे। उसी के साथ हम डाल देंगे चिकन और डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मसाला हमारा तैयार हो गया। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। आटे को देखिए मैंने मसल के इस साइज़ के पेड़े बना ली हूँ। अभी हम इसे बेलते हैं। अभी हम इसके छोटी सी रोटी बेल लेंगे। देखिए रोटी छोटी सी बेलकर हो चुका है। अभी हम इसमें चिकन का मसाला रख देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे हम पराठे को फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह हमें फोल्ड करना है। और इसे हम इस तरीके से दबा देंगे और हथेली की मदद से इसको ऐसा इसे थोड़ा सा चपटा कर देंगे। बस हमारी कचौरी बन गई है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और सारे कचौरियाँ ऐसे ही बनाएंगे। देखिए मैंने इतनी कचौरी तैयार कर दी हूँ। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में देखिए मैंने तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है और इस बात का ध्यान देना है कि हमारा तेल एकदम ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, वरना हमारी कचौरी खस्ता नहीं बनेगी।
अभी हम इसमें कचौरी को डाल देंगे। और इसे हमें एकदम धीमी आंच पे ही फ्राई करना है और हमें इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। फिर हम इसे अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। देखिए कचौरी हमारी अपने आप ऊपर आ चुकी है। अभी हम इसे चम्मच से चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ये फ्राई करेंगे। अभी हम इसे पलट लेंगे। देखिए कचौरी चारों तरफ से अच्छे से लाल हो चुकी है। अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह हम सारे कचौरी तल लेंगे। माशाल्लाह देखिए चिकन कचौरी बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन कचौरी कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।